वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई क्रेटा के बारे में। सो क्रेटा की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की मोस्ट लव्ड एसयूवीज में से एक है और आज हमारे सामने यही है। और अगर इसकी वेटिंग पीरियड वगैरह की बात करें या आपको गाड़ी कितने दिन में मिल सकती है, तो इस गाड़ी के ऊपर लगभग आपको हर वेरियंट पर 4 से 5 महीने की वेटिंग अभी जो है मिलेगी ही मिलेगी। आज हमारे सामने है इस गाड़ी का एस वेरिएंट जो इस गाड़ी का मिड वेरिएंट है। सो आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम शुरू करेंगे गाड़ी के रियर से और सबसे पहले इसकी गाड़ी की अगर कीज की बात करें तो कीज के अंदर गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की मिलेगी। लॉन्ग प्रेस पर गाड़ी की बूट ओपन हो जाएगी, बाकी अनलॉक का स्विच और एक लॉक का स्विच आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा। सो हम जैसे ही गाड़ी का अनलॉक करते हैं, गाड़ी में कुछ इस तरह का साउंड आपको जो है इसमें अनलॉक और लॉक में मिलेगा। एंड उसके बाद डीप डाउन अगर गाड़ी के रियर के बारे में बात करें तो रियर में जो है गाड़ी में आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर मिलेगा इंटीग्रेटेड, जो कि इसमें 2 कलर्स में आपको जो है मिल जाएगा, एक ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में और यहाँ पर जो है व्हाइट कलर में बॉडी कलर में आने की जो है मिल जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको डीफोगर्स मिल जाएंगे, आप ऊपर आपको शॉक फिन एंटीना जो है इसके अंदर मिल जाएगा। एंड उसके नीचे की साइड पर यहाँ पर आपको बात करें तो LED आपको जो है इसके टेल लैंप्स जो है इसके अंदर गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर जो है आपको फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर रियर फॉग लैंप जो है मिल जाएंगे। बाकी 4i अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर बाकी आपको स्किड प्लेट इसके अंदर जो है आपको सिल्वर कलर की मिल जाएगी, ब्लैक कलर का रियर बम्पर मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो है मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर ह्यूंडई का लोगो जो है इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर क्रेटा की ये शानदार सी बैजिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ LED में यहाँ पर जो है ये लाइट भी आपको मिल जाएगी, इस पियानो ब्लैक फिनिश में जो है ये स्ट्रिप आपको पीछे की साइड मिल जाएगी। बाकी वाइपर वॉशर जो है आपको इस गाड़ी में यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ऑल ऑन गाड़ी का जो रियर लुक है वो कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर इसके गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अनलॉक करेंगे और जो गाड़ी ओपन हो जाएगी इसकी, साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगी आपको रियर पार्सल ट्रे, उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको इसका स्पेयर व्हील रखने की जगह जो है यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ टूल किट वगैरह भी यहाँ पर रखने के लिए जगह आपको जो है मिल जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको एक लगेज रूम लैम्प जो है इस साइड में ऊपर की साइड यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। इन एंड ऑल एंड ऑल गाड़ी का जो है बूट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी इसकी सीट्स जो है आपको 100% फोल्डेबल इस गाड़ी के अंदर मिलेगी, इस वाले वेरियंट के अंदर। एंड उस ऑल एंड ऑल गाड़ी का जो रियर लुक है और बूट है कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है। अब हम कर देते हैं बूट को क्लोज और चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट और साइड वगैरह के बारे में। सो गाइस, गाड़ी का फ्रंट लुक जो है आपको कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलेगा। और बाकी डीप डाउन गाड़ी के फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रंट में जो है यहाँ पर आपको हुड के ऊपर सबसे पहले देखने को मिलती हैं क्रीज लाइंस जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो नीचे की साइड अगर हम बात करें तो आपको LED DRL इसके अंदर मिल जाएंगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो आपको जो है आपको हैलोजन इसके अंदर जो है फॉग लैंप इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ साथ टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर मिलेगा। बाकी यहाँ पर बॉडी कलर ये मिल जाएगा, बाकी ब्लैक बम्पर और सिल्वर जो है इसके अंदर स्किड प्लेट जो है आपको मिल जाएगी। ब्लैक जो है ये आपको रेडिएटर ग्रिल टाइप की मिल जाएगी। बाकी अगर ग्रिल की बात करें इसकी फ्रंट ग्रिल की, तो ग्रिल काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है आपको। मिड में जो है यहाँ पर आपको ह्यूंडई का लोगो जो है देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पूरी ये क्रोम स्ट्रिप से जो है कवर्ड इसकी ग्रिल मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ग्रे और ब्लैक जैसी फिनिश इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलती है। साथ साथ ग्रिल का डिज़ाइन भी एक डिफरेंट टाइप का इसके अंदर जो है दे रखा है। सो ऑल एंड ऑल जो है गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी की साइड में और जानते हैं गाड़ी की साइड के बारे में। सो अगर बात करें गाड़ी की साइड के बारे में तो साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 4300 mm की इस गाड़ी की जो है लेंथ है ऑल एंड ऑल। बाकी इसमें डीप डाउन अगर गाड़ी की रोड प्रेजेंस की बात करें तो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको जो है मिल जाती है थैंक्स टू 4300 mm लेंथ। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर डीप डाउन गाड़ी की साइड के बारे में अगर हम बात करें तो साइड में जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये व्हील के ऊपर जो है क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पर जो आपको ये आप व्हील्स देख रहे हैं इसके अंदर, ये आपको अलॉय व्हील जैसे देख रहे होंगे, बट ये अलॉय व्हील जैसे अलॉय व्हील नहीं है। इसके अंदर स्टाइलिश स्टील जो है आपको व्हील्स मिलने वाले हैं 16 इंच के। बाकी मैं उसको पास से जो है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये स्टील के ही जो है बाकी इस पे जो ऊपर ये व्हील कवर टाइप का जो कह सकते हैं, इसमें व्हील कवर टाइप का जो है ये प्लास्टिक का इसके अंदर जो है
बाकी यहाँ पर वीला क्लैडिंग, जैसा कि मैंने इसके अंदर बताया, वीला क्लैडिंग पूरी पीछे तक जो है जाती हुई दिखती है आपको। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर सफिशियंट अमाउंट की आपको जो है मिल जाती है। उसके साथ ही अपर की साइड यहाँ पर बात करें तो अपर की साइड जो है आपको बॉडी कलर डोर भी मिल जाएंगे ड्यूल टोन के अंदर, साथ साथ टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर माउंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद फोल्डेबल आपको ORVM इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ ही कीलेस एंट्री का स्विच आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड डोर हैंडल के साथ। और बाकी इसके ABC और पिलर की बात करें तो ए पिलर जो है इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बी पिलर जो है आपको ये आपको ब्लैक टेप में मिलेगा, साथ साथ सी पिलर आपको जो है सिल्वर कलर के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी रूफ रेल मिलेगी, जो आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल मिलेगी। इसके ऊपर एक बैजिंग भी है यहाँ पर, डू नॉट अप्लाई लोड, यानी कि कुछ लोग अगर इसके ऊपर कोई लोड वगैरह कैरी करने की सोच रहे हैं तो वो इसके ऊपर आप कैरी नहीं कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही इसके अगर टायर की ही बात करें, फ्रंट डिस्क वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर आपको 205/65 R16 इंच का जो है स्टील रिम मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये हुई बात है गाड़ी की साइड के बारे में। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। फिर जैसी बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, इंग्रेस और एग्रेस में आपको इस गाड़ी में जो है कोई तरह किसी तरह का इशू नहीं आने वाला है। एंड उसके बाद इसका ऑल ओवर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर आपको जो है इसके अंदर ड्यूल टोन में इंटीरियर मिलेगा, इसके अंदर आपको क्रीमी शेप में शेड में जो है इंटीरियर इसका देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक शेड में जो है आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इसकी सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो सीट अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी के अंदर जो है मिल जाएगी, साथ साथ ड्राइवर सीट आपको जो है हाइट एडजस्टेबल इस गाड़ी के अंदर मिल जाने वाली है। सो गाइस, जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपको सबसे पहले जो फ्रंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है Hyundai का लोगो, साथ साथ नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर मिलता है, कोई भी लेदर रैप वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है। साथ साथ इस वेरियंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पर ऑडियो से जुड़े कुछ स्विचेस जो है इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको जो है देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको सिल्वर एसेंट जो है कुछ देखने को मिलती है। उसके साथ ही इसकी MID की बात करें, MID में आपको यहाँ पर जो है टैकोमीटर मिल जाएगा इसके अंदर एनालॉग वाला, और साथ साथ यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पर मिड में आपको जो है MID मिल जाएगी, जिसके जितने ही फीचर्स हैं मैंने आपको जो है स्क्रीन पर दे दिए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है फ्यूल गेज आपको जो है देखने को मिल जाएगा, साथ साथ वार्निंग लाइट्स सारी की सारी यहाँ पर जो है शो ऑन होंगी आपको। बाकी इसके जो AC vents कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं आपको, एक प्रीमियम कार की तरह जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक सिल्वर एसेंट जो है इसके AC vent के सराउंडिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी सिल्वर एसेंट जो आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड आपको जो है यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, हेडलाइट लेवलिंग का स्विच जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके पावर विंडोज की स्विचेस की बात करें, यहाँ पर अपर की साइड आपको दे रखे हैं जो कि काफ़ी अर्गोनॉमिक है, आप आराम से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह से आपको आप ड्राइव कर रहे हैं फिर भी आप इसे आराम से जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चार पावर विंडोज के स्विचेस जो हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद फोल्डेबल ORVM के स्विचेस यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस सिल्वर फिनिश में इसका डोर हैंडल मिल जाता है, बाकी क्रीमी फिनिश में ये आपको प्लास्टिक मटेरियल जो है कि जो कि मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको ब्लैक में मिल जाते हैं, साथ साथ ट्विटर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर दो। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको फ्लैट डैशबोर्ड इसके अंदर जो है देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्रीमी फिनिश में जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पर फ्लैट डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है जो कि ब्लैक कलर का है। बाकी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर आपको इस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इसमें एप्पल कारप्ले विद एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कमांड, नेविगेशन, इसके अलावा USB ऑक्स, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ों की कनेक्टिविटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। साथ साथ इसके AC कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है, इसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी जो हम कह सकते हैं। बाकी नीचे की साइड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की साइड आपको जो है 12 वोल्ट का एक एक्सेसरी सॉकेट जो है देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ USB का एक स्विच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसके साथ ही चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर एक स्लॉट सेपरेट आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पर वैसे तो इससे अपर वाला वेरिएंट लेंगे तो वायरलेस चार्जिंग आ जाएगी, लेकिन इस वाले वेरिएंट में जो है वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो एक इसे आप स्टोरेज स्पेस की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी की रख के इसे यूज़ कर रखा है। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन में ये डीजल कार है तो आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में ये जो है कार मिल जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको 2 कप होल्डर इस कार के अंदर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इसकी अपहोल्स्ट्री जो है आपको यहाँ पर जैसा ऐसा लगता है जैसे कि लेदर की है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक की जो है आपको इसके अंदर डैशबोर्ड यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। साथ साथ इसके ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट का स्टोरेज स्पेस जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है।
बाकी चारों डोर्स में आपको जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डर चारों डोर्स में ही आपको जो है मिल जाता है। उसके साथ ही अपर की साइड यहाँ पर बात करें तो आपको वैनिटी मिरर जो है आपको मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको मैप रीडिंग लैंप जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको सनग्लास होल्डर इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर इसके ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको जो है टिकट होल्डर आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इसका जो IRVM है वो आपको डे नाइट एडजस्टेबल इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको आर्मरेस्ट भी इसके अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी है आपको, जो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी आपको देखने को जो है मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट स्टेयरिंग व्हील जो है मिल जाएगा। आप इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक इस वाले वेरियंट के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। सो ऑल एंड ऑल ये हुई बातें सारी गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और बात करते हैं गाड़ी की रियर सीट्स और रियर इंटीरियर वगैरह के बारे में। सो गाइस अब आ गए हम कार की रियर सीट पे, और रियर सीट पे बैठते सबसे पहले किसी पैसेंजर की जहां नजर जाती है वो है यहाँ पर सनरूफ, जो कि इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। इससे अपर वाला वेरिएंट लेंगे SX वेरिएंट तो उस वाले वेरिएंट में आपको जो है सनरूफ अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर सीट्स की बात करें तो सीट आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगी इसके अंदर। आपको जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं थाई सपोर्ट इसके अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, और लेगरूम भी आपको मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी फ्रंट सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स में दोनों में ही आपको यहाँ पर मैप पॉकेट मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा जो है फ्रंट सीट के दोनों ही हेडरेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल मिल जाने वाले हैं। अपर की साइड आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा मैप रीडिंग लैंप इसके अंदर जो है मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है रियर सीट के हेडरेस्ट की बात करें तो रियर सीट के हेडरेस्ट जो है आपको दोनों ही इंटीग्रेटेड इसके अंदर जो है मिलेंगे, एडजस्टेबल इससे अपर वाले वेरिएंट में आपको जो है मिल जाएंगे। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है रियर सीट्स के विंडोज पे आपको जो है सनशेड मिल जाएगा। आप इस सनशेड को जो है यूज कर सकते हैं धूप वगैरह ज्यादा है तो। एंड जो इंटीरियर कलर जो फ्रंट में है वही यहाँ पर सेम रियर में भी आपको मिलेगा, जो कि क्रीमी और ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पर जो है अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी चारों डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, चारों डोर्स में ही आपको स्पीकर्स इसके अंदर जो है मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर मिड में बात करें तो मिड में आपको रियर एसी वेंट जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो है एक USB पोर्ट दे रखा है, जिससे आप चार्जिंग फ़ोन की आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस कि यहाँ पर फ़ोन चार्ज करो, यहाँ पर जो है रख दो। सो ऑल इन ऑल गाड़ी का जो है रियर सीट का इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी ये सारी बातें हुई ऑल ओवर इंटीरियर के बारे में। अब चलते हैं जानते हैं गाड़ी के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, इंजन और सेफ्टी वगैरह के बारे में। बाकी फिर जैसी बात करते हैं गाड़ी की इंजन के बारे में, गाड़ी में जो है आपको तीन इंजन ऑप्शंस में गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। एक आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा इसके अंदर, 1.4 लीटर टर्बो इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको जो है मिल जाएगा। ये हमारे सामने 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इन इंजन बोनेट कवर जो इसके नीचे जो है यहाँ पर दे रखा है, ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है ये लगता है। सो और बाकी जो गाड़ी के इंजन की पावर एंड टॉर्क है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर जैसी बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, तो गाड़ी में 6 एयरबैग जो कि इस वेरिएंट में सिर्फ आपको दो ही मिलेंगे, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो कि इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट वो भी नहीं मिलेगा, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल वो भी इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाला, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक ये आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा। ये इसमें सेफ्टी में हाईलाइटेड फीचर्स हैं। बाकी उसके बाद प्राइस की बात करें, एक्शोरूम प्राइस मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जो है चेक ऑन कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जरा भी इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।